Unacademy. Let's track it. नीट की तैयारी कहां से शुरू करें? Hello students, good evening everyone and welcome to an academy, let's crack NEET UG. This is Dr. Shivani Bhargav. Aaj Brain Buster series ke andar 90 questions in a day ke andar digestion and absorption se, yani ki human physiology aapki shuru ho gayi hai, wahan se aaj hum shuruaat karne wale hain. Bahut sare bachchon ke messages mein dekh rahi thi ki part 1 kidhar hai, beta ye part 1 hi hai. मेरी टीम आज और कल ऑफ पर होती है, मंडे को मैं इसको अपडेट करवा दूंगी. पार्ट वन ही है, ये गलत डला हुआ है पार्ट टू. एक्चुअली कल अपना क्लास नहीं हो पाया था ना, एक्चुअली कोटा में बहुत तेज बारिश थी तो नेट का स्पीड फ्लक्चुएट हो रहा था. और आज भी मेरे घर पे एक छोटी सी पूजा थी, मैं तुरंत जस्ट घर में एंटर होते स्टूडियो में ही एंटर हो रही हूँ, ये मान लो आप, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ. चलिए जल्दी से आ जाओ, फटाफट से लिंक शेयर करो सो वी कैन स्टार्ट विद अ सेशन. फटाफट 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 आ जाओ मेरे बच्चों. इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, आज ह्यूमन फिजियोलॉजी देखते हैं कौन कितना पानी में है, डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. चलिए इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में, भाई 1 अगस्त अब तो डेट भी अनाउंस हो चुकी है, एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग, बहुत ही मतलब मैं आपको सारी चीजें हम बहुत अच्छे से रिवीजन यहाँ पर सारे कंप्लीट कर लेंगे. 1 अगस्त अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, लग जाओ मेहनत के अंदर. ठीक है, चलिए मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि आपको अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ऐसे सामने बैठे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू नहीं, मेरी पर्सनलाइज मेंटोरशिप के अंदर, मेरे पर्सनलाइज गाइडेंस के अंदर अगर आप नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड प्लेटफॉर्म जो कि अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वहां से आप जुड़ सकते हैं. यहां सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ इंडिया के 70+ टॉप एडुकेटर्स की टीम है. फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तीनों सब्जेक्ट का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहां मिलता है. जुड़ेंगे कैसे, सिंपल सा स्टेप है, प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल करेंगे. जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे आपके सामने गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा, आप नीट यूजी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप नीट यूजी उसमें भरिएगा, फिर पूछा जाएगा प्लस चाहिए या आइकॉनिक चाहिए, दोनों में से किसी भी एक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को आप ऑप्ट कीजिए. आइकॉनिक का फायदा ये है आपको उसमें पर्सनल कोच मिल जाता है, ये एक फायदा है बस, पर्सनल कोच जो है यहां पर आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, जो स्टडी प्लानर टेस्ट पेपर एनालिसिस में आपको मदद करेंगे. क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स है, इसके चार्जेस भी थोड़े से एक्स्ट्रा हैं. यहां पर जो मैंने चार्जेस बता रखे हैं ये प्लस के हैं, तो 1, 3, 6, 12, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अवेलेबल हैं. फिलहाल आप गो फॉर 1 एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन, 3 मंथ्स पर भी जा सकते हैं नीट 2021 वाले. ठीक है, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर चार्जेस बेटा कम दे रखा है, ये ऑलरेडी 10% डिस्काउंट के बाद दे रखा है सभी के अंदर. मैं आपको इसके एग्जैक्ट चार्जेस वहां से दिखा देती हूँ. चलो
सबके अंदर ही ना चार्जेस कम दे रखे हैं, ऑलरेडी 10% डिस्काउंट के बाद ही शो हो रहा है बेटा, अदरवाइज मैं आपको चार्जेस दिखा देती हूँ। ये चार्जेस हैं, फॉर वन मंथ इट इज 7,000, फॉर थ्री मंथ इट इज 17,500, 28, 38 एंड 56,000। लेकिन आपको इतना पे नहीं करना होता, प्रोसीड टू पे के पहले आपको एक कोड अप्लाई करना है, जो कि आपकी अपनी मैम का नाम है शिवानी। शिवानी कोड अप्लाई करने से एक तो आपको आपकी फीस पर मैक्सिमम पॉसिबल जितना भी डिस्काउंट हो सकता है, चाहे आप प्लस ले चाहे आप आइकॉनिक, दोनों में सेम फायदे हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपकी फीस पर मिलता है। प्लस आप डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप, मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे। थ्रू आउट योर नीड जर्नी आई विल गाइड यू, यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई ग्रुप एंड माई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। उसके बाद आपको यहां पर कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर डीपीपीज मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है। आप मेरी मेंटोरशिप के अंदर स्टडी प्लानर, 90% स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग इन द रेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट ओनली 1-2% स्टूडेंट्स गेट सेलेक्टेड। तो हाउ टू कम इन दैट 1-2% स्टूडेंट्स की कैटेगरी के अंदर, तो क्या ऐसे स्टेप्स हैं, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, किस हिसाब से दिन का टारगेट बनाए, बैक पोर्शन कैसे कवर करे। आई जस्ट वॉन्ट अ डेडिकेटेड एंड हार्डवर्किंग स्टूडेंट, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन ये सारे फायदे आप फिर बाद में पूछते हो, सिर्फ तब आपको मिलते हैं जब आप शिवानी कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है भाई। तुम लोग फिराज नालायकी पर उतर आए, AMS सेशन ले आऊंगी मैं स्पेशल क्लास में कंडक्ट कर लूंगी। PDF आपको टेलीग्राम का चैनल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। चलो बेटा, ऐसे तो कैसे काम चलेगा, तुम लोग तो बड़ा मतलब नलायकी पर हो फिलहाल भाई। नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स इंक्रीज करो, जल्दी जल्दी आओ, ऐसे तो फिर मैं अगले दिन की तरह नलायकी मार लूंगी, ठीक है। आज स्पेशल क्लास का टॉपिक मिक्स एंड मैच करेंगे, नहीं चलो बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस बाकी, बायोटेक करेंगे आज। आज बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे स्पेशल क्लास के अंदर, पूरे नहीं हुए थे ना बेटा। प्लस पर ऐसे कुछ बैचेस भी चल रहे हैं, जैसे कि अचीवर्स प्रो बैच 10th मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, 2021 के लिए ही है, ठीक है, वाया यूजिंग माई कोड शिवानी। फ्री टेस्ट सीरीजेस यहाँ पर हमारे यहाँ चल रही है, बहुत सारे फ्री टेस्ट शेड्यूल है। अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे होता है, कल भी है, एनरोल इट। एनरोल करते वक्त आपको जो कोड अप्लाई करना है, चाहे आपको फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए, चाहे फ्री टेस्ट सीरीज के लिए, जितने भी फ्री फीचर्स हैं अनअकैडमी के, कोई चार्जेस नहीं लगते उनको अनलॉक करने के लिए। वो एक कोड आपसे पूछता है, आपको कोड अप्लाई करना है शिवानी, आपके सारे फ्री फीचर्स जो है बेटा अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर सेशन। कल से नलायकी नहीं चलेगी ऐसे, ठीक है, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। मैं सबके साथ चेक करूंगी, ठीक है, 50 क्वेश्चंस के बाद मैं स्कोर बोर्ड पूछूंगी, आप लोगों से स्कोर पूछूंगी अपना, तो सब अपने नंबर्स लिख के रखिएगा, ठीक है, कि कौन कितना सही कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। This is the first question of today's session. The question is, parietal cell of mucosa in stomach. Parietal cell जो है ना mucosa की, parietal cells जो है, ये किस चीज का secretion करते हैं? It secretes what? Following were the option. Please hit the correct one. Very easy. Question number one. Okay, Chirag Vashne. जल्दी जल्दी, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। पूर्णिमा सिंह करेक्ट हैं, संजोग करेक्ट हैं, लक्ष्मी प्रिया, शोएब, सिमरन, तनीश वर्मा गलत हैं, ठीक है। पूजा, ये स्पेशल क्लास में होता है, बीच में कुछ क्वेश्चंस नहीं होते, 90 क्वेश्चंस हमारे नहीं हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस गलत आ रहे थे, आप लोगों ने देखा था कल दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए हम ये करेंगे, आपको एक बार रिविजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है स्पेशल वालों का। थर्ड अधिकतर बोल रहे हैं, यस HCL का सिक्रीशन करता है। उसके साथ मुझे ये भी बताओ, ठीक है, HCL का सिक्रीशन कर रहा है पैराइटल सेल, HCL का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है HCL का, ये क्या करवाता है बेटा? फटाफट से लेट मी नो इन द चैट बॉक्स में, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपने मन से भी पूछूंगी आज।
हाँ जी, HCL का मेन फंक्शन क्या है प्लीज लेट मी नो इन द चैट, जल्दी बोलो, मुझे किसी का भी आंसर अभी तक नहीं दिखा है। तनिष वर्मा, अभी मैंने बताया प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, मैं कॉन्टैक्ट करने का तरीका भी बता दूंगी। हाँ, इनएक्टिव एंजाइम जैसे कि पेप्सिनोजन वगैरह जो हो गए, इनएक्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उनको एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट कर देता है, लाइक पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, इनको पेप्सिन वगैरह में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट कर देता है। ये HCL का मेन फंक्शन है, करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीथ का जो इनेमल है, इनेमल ऑफ टीथ, इट इज सिक्रीटेड बाय, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन। इनेमल, डेंटीन, पल्प रीजन होते हैं आपके टीथ में, तो इनेमल जो है इसे कौन सिक्रीट करता है, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन। डॉक्टर अनु सैनी तवर, क्लास की टाइमिंग मैं रोज सुबह 9 बजे, शाम 6:30 बजे यहां पर आती हूं, और रात 9:30 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस होती हैं, जहां पर भी हम ब्रेन बस्टर सीरीज ही चला रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बायोटेक चलेगा वहां पर। यस, इट इज नॉट बाय, इट इज अमीलोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट नहीं है, अमीलोब्लास्ट सेल है, अधिकतर बच्चे कर रहे हैं। एडोलेसेंस के अंदर डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बिफोर 17 ईयर्स, 17 साल के पहले पहले का डेंटल फॉर्मूला बताइए, 17 ईयर्स के पहले, जल्दी बोलो, लेट मी नो इन द करेक्ट वन। 17 साल के पहले सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, एक हाफ का बता रही हूँ, सेम अरेंजमेंट इस साइड होता है, सेम अरेंजमेंट मैंडिबल में होता है, तो 2 इंसाइजर है, एक केनाइन है, ठीक है, प्रीमोला मिल्क डेंटिशन पूछ रहा है, उसमें होता नहीं है, ठीक है, उसमें होगा क्या, कितना, थर्ड का फर्स्ट पूछ रहे, हाँ प्रीमोलार बिफोर 17 ईयर्स पूछ रहा है, और 2 मोलार होते हैं, करेक्ट, यही नीचे होता है, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, इजी इजी बेटा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑफ म्यूकस लेयर ऑफ स्टमक पेप्सिनोजन का सिक्रीशन कौन करवाता है, पेप्सिनोजन, म्यूकस लेयर ऑफ स्टमक, विच सेल ऑफ म्यूकस लेयर ऑफ स्टमक सिक्रीट द पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन का सिक्रीशन कौन करवाता है, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। द क्वेश्चन इज पेप्सिनोजन का सिक्रीशन कौन करवाएगा, बेटा सिर्फ 1, 2, 3 मत लिखो, 4 का क्या होगा ये लिखिए, लक्ष्मी प्रिया, यस, सबका अलग अलग, कोई पैराइटल सेल बोल रहा है, नो, कोई 4 का 3 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है, कोई गॉबलेट, चीफ सेल, यस, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, चीफ सेल्स, यही तो आपके पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करवाते हैं, और कुछ तो, अरे गॉबलेट सेल तो किसका, नहीं बेटा, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, अधिकतर बच्चे इसमें चक्कर खा गए। अगेन इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज इनरमोस्ट लेयर ऑफ म्यूकोजा, म्यूकोजा की जो इनरमोस्ट लेयर है ये आपकी कॉल्यूमिनर एपिथीलियम की बनी होती है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, बाकी सब जो है इनरमोस्ट लेयर जो है म्यूकोजा की कॉल्यूमिनर एपिथीलियम की बनी है, एक्सेप्ट फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज इट द करेक्ट वन, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। लेट मी नो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, यस, ईसोफेगस को छोड़कर, एक्सेप्ट ईसोफेगस, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, इनरमोस्ट लेयर ऑफ म्यूकोजा ये कॉल्यूमिनर एपिथीलियम की बनी है, एक्सेप्ट ईसोफेगस, दिस विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टीथ इन मैन ग्रो ट्वाइज इन लाइफ, 2 बार कौन से, कितने दांत ह्यूमन बींग्स में 2 बारी आते हैं, कितने दांत ह्यूमन बींग्स में 2 बारी आएंगे लाइफ में, विच अकर ट्वाइस इन लाइफ, जल्दी जल्दी जल्दी, डायफायोडॉन्ट टीथ पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, तुषार शर्मा करेक्ट है, डॉक्टर चंदन किसका आंसर दे रहे हैं पता ही नहीं, प्रियांश सिंह सही है, लक्ष्मी प्रिया, फैजान सही है, यस, तनिष शर्मा, ईसोफेगस चुनी का एडवेंचर, करेक्ट है बेटा, प्रमोद अग्रवाल सही है, यस, 20 है बेटा, कैसे, सेंट्रल इंसाइजर, 2 जो जैसा इधर अरेंजमेंट है वैसा ही इधर है और वैसा ही नीचे है, तो सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर दोनों
प्राइमरी और परमानेंट दोनों में प्रेजेंट है, तो दो दो चार पांच छह सात आठ, आठ तो इंसाइजर्स हो गए आपके, ठीक है। केनाइन, केनाइन भी दो बार आते हैं जिंदगी में, तो दो ऊपर की तरफ इधर इधर और दो नीचे की तरफ, तो केनाइन हो गए चार। प्रीमोलर्स की बात करें, एक ही बार आता है, प्राइमरी डेंटिशन में प्रीमोलर्स प्रेजेंट ही नहीं होते। मोलार्स की बात करें, फर्स्ट और सेकंड मोलार तो दो बार आएंगे, थर्ड मोलार सिर्फ एक ही बात आता है, तो दो इधर चार और चार ही इधर हो गए नीचे, तो आठ, तो आठ और आठ सोलह, सोलह और चार बीस, तो ऐसे 20 टीथ जो हैं ये जिंदगी में दो बार ही आते हैं, करेक्ट। कटिंग के अंदर कौन से टीथ का रोल है, कटिंग के अंदर किस टीथ का, विच टीथ हेल्प्स इन कटिंग, कटिंग जल्दी लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, प्लीज हिट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे डाल के लिखा करो बेटा, 1 2 3 ऑप्शन, जल्दी से। हां जी, क्वेश्चन नंबर 7, इंसाइजर्स का रोल है, बिल्कुल करेक्ट, सेवेंथ का टू इज द करेक्ट वन। पल्प वाला से कोई नहीं, ये हट गया अभी। हाँ, इन ह्यूमन बीइंग स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ध्यान होगा आपको ये कहां सिचुएटेड होता है, फॉलोइंग फॉर द ऑप्शन प्लीज इट द करेक्ट वन। स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन डिस्कस करते हैं, यहां पर स्फिंक्टर ऑफ ओडी के बारे में पूछा है कि ह्यूमन बीइंग में स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहां प्रेजेंट है, प्लीज इट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9, सिमरन शर्मा एकदम सही है, पूजा गुप्ता एकदम सही है, और बाकी सारे बच्चों को क्या हो गया है, सिमरन पूजा सही है, इंद्रा सही है, संजोग गलत है। क्वेश्चन, यस सुदीप नाथ एकदम सही, एम्पिल ऑफ वाटर के अंदर, एम्पिल ऑफ वाटर पे सिचुएटेड है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, सो सेकंड विल बी द करेक्ट वन। टाइलिन, टाइलिन जो एंजाइम जो है ना सलाइवा के अंदर, विच वर्क्स इन सलाइवा, इन कौन से पीएच पर, अल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रल, एसिडिक और ऑल मीडिया, किस पर एक्ट करेगा टाइलिन एंजाइम जो है उसके बारे में, जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, विच वर्क्स इन सलाइवा, कौन से मीडियम पर एक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज हिट द करेक्ट वन, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 11, अंजू संगा केनाइन, केनाइन टीयरिंग के काम में आता है, कार्निवोरस एनिमल में इसलिए ज्यादा वेल डेवलप्ड है, चीरने के काम आता है, ठीक है, टीयरिंग के काम में है केनाइन। 11th का 4 ऑल मीडिया में गलत है बेटा, प्रिया सिंह गलत है, लक्ष्मी प्रिया सहानी भी गलत है, ओहो क्या कर रहे हो बच्चा। सुदीप नाथ करेक्ट है इसके अंदर, क्योंकि इसने स्पेशल क्लास लगाई है मेरी। बेटा ऑलमोस्ट न्यूट्रल मीडियम में काम करता है टाइलिन एंजाइम, याद रखना टाइलिन एंजाइम जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल मीडियम में ये वर्क करेगा। पैनक्रियास के अंदर पैनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन, इट इज सिक्रीटेड बाय, फॉलोइंग वर द ऑप्शन प्लीज इट द करेक्ट वन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। पैनक्रियाटिक जूस और हार्मोन का सिक्रीशन कहां से होता है पैनक्रियाज में, पैनक्रियाटिक जूस और हार्मोन का सिक्रीशन, प्लीज इट द करेक्ट वन, वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया है, पैनक्रियाटिक जूस एंड एंजाइम्स हार्मोन्स जो है दे आर सिक्रीटेड बाय, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, लक्ष्मी प्रिया सहानी, यस करेक्ट है, लक्ष्मी प्रिया सहानी करेक्ट है, लक्ष्मी प्रिया सहानी, सुदीप नाथ, संजोग गलत है, राहुल सही है, पूजा गलत है, नितिन यादव सही है, सुदीप नाथ सही है, इंदिरा सही है, ठीक है। रफिया रशीद, रोज रात 9:30 बजे होती है, आज भी 9:30 बजे होगी बेटा मेरी स्पेशल क्लास। पैनक्रियाटिक जूस, द सेल्स ऑफ एसेनाई एंड हार्मोन्स, इट इज द इसलेट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये ज्यादा सही ना, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, थर्ड विल बी द करेक्ट वन, थर्ड और सेकेंड, अरे थर्ड और सेकेंड, एक सेकेंड में पानी ले लूं, इस पर मत जाओ। सेल्स ऑफ एसेनाई पहले, क्या पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कौन करवाता है, सेकेंड है कि थर्ड है, हाँ अभी तुम लोग भी हाँ हाँ करने लग गए, यही है पैनक्रियाटिक जूस, इससे हार्मोन्स लैंगरहैंस से, करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी शेप वाइडेस्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, सी शेप वाइडेस्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन कौन सा है, प्लीज हिट द करेक्ट वन,
C-shaped widest part of intestine? Okay, hit the correct one. राहुल को रेड पॉइजन चाहिए. अगर फिर भी गलत कर रहा है तो फिर तो सही में डिजर्विंग है. यस, लक्ष्मी प्रिया, अपर्णा, निधि, सिमारिया, प्रिया, इंदिरा, प्रवीण, ड्रम, सलमा, कबीर सिंह. बिल्कुल सही. क्या बात है, कबीर सिंह. डियोडिनम इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. विच सबस्ट्रेंस डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया? हार्मफुल बैक्टीरिया को कौन सा सब्सटेंस डिस्ट्रॉय कर देता है? फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन. विच सब्सटेंस डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया? प्लीज हिट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 14, हार्मफुल बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन कौन सा सब्सटेंस करेगा? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. दिनेश अग्रवाल, सुदीप नाथ, लक्ष्मी प्रिया, राफिया, सिमरन, प्रमोद, नितिन, शेख, अपर्णा, संजोग. बहुत सारे स्टूडेंट. यस, एचसीएल. एचसीएल का ही काम है ये, हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है. इनमें से कौन सा सलाइवा का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है पूछा है बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सलाइवा? सलाइवा का कॉन्स्टिट्यूएंट इनमें से कौन सा नहीं है? ध्यान होगा, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस जिसे हम सक्कस एंटेरिकस कहते थे, सलाइवा, इन सबके केमिकल कॉम्पोजिशन डिस्कस किए थे हमने आपके साथ. जल्दी से बताइए. क्वेश्चन नंबर 15, पल्लवी देशमुख, करेक्ट. ये जो 13 लिखोगे ना डायरेक्ट, उनका नाम नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि आप लिखिए कौन सा. राहुल करेक्ट, अपर्णा 15 का 3. ग्लूकोज नहीं होता है सलाइवा का कॉम्पोजिशन. यस, दिस इज द करेक्ट वन. अब वो पूछ रहा है कि बाइल के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत पूछा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द बाइल? ओके, प्लीज इट द करेक्ट वन. बाइल, बाइल जूस निकलता है ना, पता होगा आपको. बाइल के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है पूछा है. क्वेश्चन नंबर 16, प्लीज हिट द करेक्ट वन. विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट बाइल? फॉलोइंग वर द ऑप्शन. ज्योति मोय चैटर्जी, अपर्णा मिश्रा, सुदीप नाथ, प्रिया शर्मा, यस राधा, प्रमोद अग्रवाल. करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है. बहुत सारे स्टूडेंट सही है, कुछ बच्चे गलत भी हैं. आकाश जैसे कि फोर्थ आंसर कर रहे हैं, वो गलत है. इट इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर द नॉर्मल डाइजेशन ऑफ शुगर. क्या सिर्फ इसी के लिए काम है बाइल का? नो, इसलिए गलत है. फैट डाइजेशन, फैट इमल्सिफिकेशन वगैरह कराता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड होता है. दोनों स्टेटमेंट सही. ये गलत है कि सिर्फ और सिर्फ शुगर के डाइजेशन के अंदर रोल है, तो ये गलत स्टेटमेंट है. दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉल ब्लैडर का फंक्शन पूछा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? वेरी इजी क्वेश्चन. गॉल ब्लैडर का फंक्शन पूछा है उसने डायरेक्टली, प्लीज हिट द करेक्ट वन. गॉल ब्लैडर का फंक्शन पूछा है. लेट मी नो इन द चैट. क्वेश्चन नंबर 17, किरण कुमारी मैम मेरा नाम नहीं लिखती है. बेटा जिसका भी दिखता है मैं रैंडमली नाम पिक कर लेती हूं. अपर्णा करेक्ट है, मिस्टर आर एफ, आयुष्मान उपाध्याय, नीलम, प्राग, द्रक्षा, मानसिंह, पूर्णिमा. करेक्ट है, बाइल स्टोरेज मेन काम है गॉल ब्लैडर के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? बाइल, बाइल का स्टोरेज करना इसका काम है. यस, सेकंड विल बी द करेक्ट वन. क्रिप्ट ऑफ लिबरकुंस, दे आर फाउंड. आपको पता ना इंटेस्टाइन में से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज द विलाए. यहां पर सेल्स, इसके यहां पर ये क्रिप्ट ऑफ लिबरकुंस प्रेजेंट होते हैं. दे आर फाउंड इन बिटवीन द विलाए. ये क्या सिक्रीट करते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन? किस चीज का सिक्रीशन करेंगे? फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन. वेरी इजी. बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इन सबकी इवन तो कॉम्पोजिशन भी आपको आने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 18, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, प्लीज हिट द करेक्ट वन. शंकर, जय किशन, यस, लक्ष्मी प्रिया,
सलमान भट्ट, पूजा गुप्ता, निपेंद्र, ज्योत्री मॉय, पूर्णिमा, यस संजय कुमार जसवाल, यस इट इज इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होता है इंटेस्टाइन के बेस पर, वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज द बिला, इसके बेस पर आपके क्रिप्ट ऑफ लिबरकुल्स जो है इंटेस्टाइनल जूस जिसे हम कहते हैं सकस एंटरिकस इसका सिक्रीशन करता है, दैट्स वाई फॉर दिस पर्टिकुलर। बेटा मैं पहले बोल रही हूँ सलाइवरी जूस का कॉम्पोजिशन, पैनक्रियाटिक जूस का कॉम्पोजिशन, बाइल जूस का कॉम्पोजिशन, इंटेस्टाइनल जूस दैट इज द सकस जूस का कॉम्पोजिशन should be on your fingertip, direct question exam में यहां से बनते हैं, ठीक है जी। Next question, parotid salivary glands ये कहां present होती है, very easy question, कई बार होता है मैं parotid swellings भी हो जाती हैं, शायद आप लोगों ने बहुत से बच्चों ने देखा होगा, खुद भी experience किया होगा, तो कहां पर check करता है doctor, उन्हें तो ऐसे बिना doctor कहां पर check करता है भी पता होगा जिन्होंने खुद भुगत भोगी होंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, लक्ष्मी प्रिया बिल्कुल करेक्ट, यहीं पर तो चेक करता है ना, यहां मम्स भी जो ना पैरोटिड की स्वेलिंग, तो डॉक्टर यहां पर ऐसे चेक करता है, इट इज प्रेजेंट बिलो द ईयर, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड बिलो द ईयर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई सेकंड विल बी द करेक्ट वन। फोर्थ कौन बोल रहा है, साइनुसॉइड्स कहां, कीवर्ड है ये वैसे तो इंडायरेक्टली, कहां पाए जाते हैं साइनुसॉइड्स, दे आर फाउंड इन फॉलोइंग वर द ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20 प्लीज हिट द करेक्ट वन, साइनुसॉइड्स कहां पाए जाते हैं बेटा जी। बेटा 1 अगस्त है, रोज यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस, रात 9:30 बजे स्पेशल क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस, सुबह थ्योरी सेशन लगाओ, बायोलॉजी मेरे भरोसे छोड़ दो, नैया पार लगा दूंगी, नैया पार मतलब बिल्कुल आप जबरदस्त तरीके से फोड़ के आ सकते हो पेपर, फिर मैराथॉन्स वगैरह करेंगे, मजा आएगा, अच्छे से कर लेंगे हम सारी चीजें। किडनी ना बेटा, लीवर साइनोसॉइड, सुदीप नाथ करेक्ट, लीवर, लीवर में प्रेजेंट होते हैं साइनोसॉइड्स, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। भव्यराज, बिट्टू कुमार सही है, बहुत सारे बच्चे किडनी भी बोल रहे हैं, 3 भी बोल रहे हैं, अरे बेटा हार्ट तो मत ही बोलो, लीवर, यस लीवर में प्रेजेंट होता है, वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज द ऑप्शंस आर वेरी इजी। स्पेसिफिक सेल्स जो कि लीवर में पाई जाती हैं, स्पेसिफिक सेल्स फाउंड इन लीवर आर फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन, स्पेसिफिक सेल्स फाउंड इन लीवर आर, लीवर में कौन सी सेल्स मिलती हैं बेटा जी, प्लीज हिट द करेक्ट वन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 21 वेरी इजी, मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही हिट होना चाहिए। डॉक्टर नदीम शेख बिल्कुल सही है, पूर्णिमा सिंह, राहुल, प्रमोद अग्रवाल, लक्ष्मी प्रिया सहानी, मनीष सिंह करेक्ट है बेटा, लीवर, लीवर हेपेटिक से रिलेटेड है ना, तो हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम सब ध्यान होगा आपको, यस सो हेपेटिक सेल्स, वेरी इजी अगेन, एंड द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, आता है कई बार, लीवर के वो सेल्स जो कि विच एक्ट एज अ फैगोसाइट, फैगोसाइट्स ऑफ लीवर जो कि फैगोसाइट सेल ईटिंग करता है, कौन से सेल्स हैं लीवर के जो विच एक्ट एज अ फैगोसाइट, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 22 प्लीज हिट द करेक्ट वन, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, 22 का 2 बोल रहे, कुफर सेल्स, या स्नेहा, संजोग, अमन गलत है, धर्म, आस्था, राजेश गलत है, निवेदिता, इरफान, डॉक्टर मैसी, द्रक्षा, कीर्ति, बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुफर सेल्स, प्रमोद अग्रवाल बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है, फैगोसाइटिक सेल्स जो है ना लीवर की उन्हें हम कुफर सेल्स कहते हैं, सो सेकंड विल बी द करेक्ट वन, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ही आ चुका है यहां से बेटा। कैसीन जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है ना, मैं तो अभी आंसर ही बोलने वाली थी, मुझे नहीं पता था कि वो यही पूछ रहा है, जो मिल्क में प्रेजेंट होता है वो एक्चुअली है क्या, बैक्टीरियम, शुगर, प्रोटीन और फैट, बाय मिस्टेक अभी आंसर ही बोल देती मैं, कैसीन जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है वो एक्चुअली है क्या, एक बैक्टीरिया का नाम है, एक शुगर है, एक प्रोटीन है या फैट है, प्लीज लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 23 संजोग विर्क, यस ये पता होगा, कैसीन प्रोटीन, प्रोटीन ही तो होता है, मैं यही पढ़ने वाली थी और अभी फिर मैंने देखा कि ये तो क्वेश्चन में ये दे रखा है, या इट इज अ प्रोटीन। एमाइलेज एंजाइम जो है बेटा ये किस पर काम करता है, इट एक्ट ऑन फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन, एमाइलेज एंजाइम किस पर काम करेगा, एमाइलेज एंजाइम एक्ट ऑन, क्वेश्चन नंबर 24 प्लीज हिट द करेक्ट वन, एमाइलेज एंजाइम एक्ट ऑन फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन,
बच्चा मेरा रिवीजन कोर्स फॉर नीट 2021 चल रहा है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। आप शिवानी कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलता है। कुल मिला के आप मेरे स्पेशल बैच का पार्ट बन जाओगे, मेरे स्पेशलाइज मेंटोरशिप के अंदर आ जाओगे, पार्ट ऑफ माई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, माई ग्रुप, डीपीपी, क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल, सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कैसे करोगे, unacademy.com@shivani1990, यहां मुझे फॉलो करो। फॉलो करने के बाद ड्रैग करते हो तो मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आता है। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, आई विल रिवर्ट यू। ठीक है, हाँ, एमाइलेज जो है स्टार्च, यस, स्टार्च के लिए काम में आता है। फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, इट एक्ट ऑन द स्टार्च, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लीवर सेल जो है, लीवर सेल इनमें से किसका सिक्रीशन करती है? लीवर सेल क्या सिक्रीट करती है? इजी 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 क्वेश्चन, एक शब्द से हिट कर सकते हो आप। लीवर सेल क्या सिक्रीट करती है? बेटा आज रात 9:30 बजे बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यहाँ हो गए थे उसके अलावा। तो 9:30 बजे स्पेशल क्लास में आना मत भूलिएगा। जस्ट आपको मैंने अभी जो लिंक बताया ना, यहाँ पर आप डॉक्टर शिवानी भार्गव प्रोफाइल सर्च मार के @shivani1990 फॉलो करके गेट नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो। क्वेश्चन नंबर 25 का 4, यस, बाइल का सिक्रीशन करता है ना, कोई एंजाइम सिक्रीशन लीवर सेल नहीं करती है, सो यस, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं ना डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल के अंदर, ये लीस्ट पेरिस्टाल्सिस, सबसे कम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहां पर होता है? लीस्ट पेरिस्टाल्सिस कहां होता है, जल्दी बोलिए। लीस्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है उसमें सबसे कम पेरिस्टाल्सिस कहां पर होता है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बेटा। क्वेश्चन नंबर 26, प्लीज हिट द करेक्ट वन। द्रक्षा खान बिल्कुल सही है बेटा, सुदीप नाथ सही है, ठीक है। नो, बहुत से बच्चे ना ईसोफेगस बोल रहे हैं, सबसे कम पेरिस्टाल्सिस ना डियोडेनम जेजुनम इलियम, ये तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, इलियम एंड रेक्टम, रेक्टम के अंदर मिनिमम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं आपके, लीस्ट पेरिस्टाल्सिस रेक्टम के अंदर है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थर्ड विल बी द करेक्ट वन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क प्रोटीन, ये कैल्शियम पैराकैसिनेट के अंदर जो चेंज हो रहा है, किसका रोल है मिल्क प्रोटीन के इसके चेंजेस के अंदर? फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन, प्लीज हिट द करेक्ट वन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इजी इजी इजी, प्लीज हिट द, पीडीएफ आज भेज दूंगी बेटा, कल संडे, आज मिल जाएगा पीडीएफ। 27th का बी बोल रहे, यस, रेनिन, रेनिन के अंदर पीडीएफ आज मिल जाएगा। द एंजाइम इन्वर्टेज हाइड्रोलाइसिस, व्हाट डज इट डू? एंजाइम इन्वर्टेज हाइड्रोलाइसिस, प्लीज हिट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 28, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। कहाँ मिलेगा? मुकेश गुप्ता टेलीग्राम पर मिल जाएगा मेरे। क्वेश्चन नंबर 28, इन्वर्टेज हाइड्रोलाइस, उमेश चंदर एकदम सही, सुदीप नाथ, गट्टू जी, डॉक्टर मैसी, संजोग, सिमरन, मनीष सिंह गलत हैं, बहुत सारे, ठीक है। सेल डिवीजन वाली क्लास आस्था में लगवा दूंगी बेटा, ठीक है। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेकेंड विल बी द करेक्ट वन, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड इज आर अब्सॉर्ब्ड इन, अमीनो एसिड का अब्सॉर्प्शन कहाँ होता है? दीज वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन। अमीनो एसिड्स के अब्सॉर्प्शन के बारे में पूछा है बेटा उसने, अमीनो एसिड्स आर अब्सॉर्ब्ड इन, फॉलोइंग वर द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, या क्वेश्चन नंबर 29, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बेटा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यस, ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाय, यहीं पर इसका
अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है. सो फॉलोइंग फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. बहुत सारे बच्चे लेकिन इसका गलत आंसर भी कर रहे हैं. फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. ठीक है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज अफेक्टेड बाय कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन पूछ रहा है. प्लीज हिट द करेक्ट वन. वेरी इजी, ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. जल्दी जल्दी बेटा. अमाइलो एप्सिनी ना, यस, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में इसी का तो रोल है. ट्रिप्सिन का सिक्रीशन कौन करता है? ट्रिप्सिन, इट इज सिक्रीटेड बाय, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज इट द करेक्ट वन. ट्रिप्सिन एंजाइम. ट्रिप्सिन का सिक्रीशन कहां से होता है? क्वेश्चन नंबर 31, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, प्लीज हिट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 31 बेटा, टू द पॉइंट, याद होगा तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. क्वेश्चन नंबर 31, यस, लक्ष्मी सही है, लक्ष्मी प्रिया सारे का एकदम सही है. ट्रिप्सिन जो है इसका सिक्रीशन पैनक्रियास से होता है, विच इज मेंशन इन द फर्स्ट ऑप्शन, सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. इजी है, इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स या आपके अमीनो एसिड्स के अंदर टूट गए कहां पर? प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इंटू अमीनो एसिड्स इन फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज इट द करेक्ट वन. प्रोटीन ब्रेक डाउन कहां होता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 32, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. प्रोटीन, यस, कौन बोला? पूजा गुप्ता, करेक्ट. पूजा गुप्ता, सुदीप नाथ, लक्ष्मी प्रिया, संजय कुमार जसवाल. बेटा पैनक्रियास तो है ही नहीं ऑप्शन में, कहां हिट कर रहे हो? इंटेस्टाइन के अंदर होता है. यस, करेक्ट, थर्ड विल बी द करेक्ट वन. स्टार्वेशन के दौरान विच रिजर्व फूड इज कंज्यूम्ड बाय मैन ड्यूरिंग द स्टार्वेशन? स्टार्वेशन के दौरान कौन सा रिजर्व फूड ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं? फॉलोइंग वर द ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 33, प्लीज हिट द करेक्ट वन. आंसर करो बेटा, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. क्वेश्चन नंबर 33 जी, हिट द करेक्ट वन. फैट बोल रहे हैं संजो, गलत. अवनीश धर्म निंजवाल, गलत. क्या कर रहे हो तुम? शिजुका बाजार, गलत. ये मेरे प्रभु, फैट नहीं बेटा. सबसे पहले बेटा अपना ग्लूकोज को यूज करता है बॉडी, उसके मतलब कार्बोहाइड्रेट को, उसके बाद फैट, और स्टार्वेशन की कंडीशन में प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है. प्रोटीन का, स्टार्वेशन की कंडीशन में प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता है. टाइलिन एंजाइम जो अभी हमने पढ़ा भी था, इससे रिलेटेड कुछ, यह आपके स्टमक में काम नहीं करता. व्हाट वाज द रीजन? इट कैन नॉट वर्क इन स्टमक बिकॉज, क्या होता है? फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज इट द करेक्ट वन. टाइलिन एंजाइम जो है ना बेटा, ये स्टमक में काम क्यों नहीं कर पाता है वो पूछ रहा है. क्वेश्चन नंबर 34, प्लीज इट द करेक्ट वन. जल्दी जल्दी जल्दी. क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहे हैं, पेप्सिन नहीं यार, HCL एंजाइम की वजह से इनएक्टिव हो जाता है ना. फोर्थ का फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. HCL एंजाइम जो है वो इनएक्टिव कर देता है टाइलिन को, दैट्स व्हाई. टाइलिन हमने बताया था जो सलाइवा में ऑलमोस्ट न्यूट्रल मीडियम पर काम करता है, अभी डिस्कस किया था ये तो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले. बाइल का इंपॉर्टेंट फंक्शन बताओ, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बाइल, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन. बाइल का इंपॉर्टेंट फंक्शन, थर्टी फाइव का, या फैट इमल्सिफिकेशन, दिस इज द मेन रोल ऑफ बाइल फॉर डाइजेशन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. फैट इमल्सिफिकेशन इसका मेन फंक्शन है.
which is mentioned in the first option. Proteolytic enzymes दे रखे हैं यहाँ पर कुछ, please hit the correct one. कुछ proteolytic enzymes के बारे में बताएं. Some proteolytic enzymes are. Question number 36. Question number 36. Some proteolytic enzymes are. राहुल, सुदीप नाथ, राजेश कुमार, सिमरन, यस बहुत सारे, साहिल करेक्ट है बेटा. क्वेश्चन नंबर 36 प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड एरिप्सिन, या फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. सकस एंटरिकस एक और बार आ चुका है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसी क्वेश्चन को. सकस एंटरिकस का सिक्रीशन कहां से होता है, प्लीज हिट द करेक्ट वन. सकस एंटरिकस, सकस एंटरिकस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस, उसके सिक्रीशन के बारे में पूछ रहा है. जल्दी से आंसर करो बेटा. इस्लेट ऑफ लैंगरेंस इज द इनकरेक्ट वन. अपर्णा सही है, शिजुका बजाज सही है, राहुल सही है. सक्कस सेंटर बेटा जो भांग खा के बैठे हो क्या, अभी तो होली दूर है. हाँ अभी डिस्कस किया ना सक्कस एंटरिकस, कुछ देर पहले क्वेश्चन भी तो आया था इंटेस्टाइनल, वो क्रिप्ट विलाय के बेस पर जो क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन से ही सीक्रेट होता है ना, ये तो हमें पता ही है. तो क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड ये सीक्रेट करते हैं. अभी थोड़ी देर पहले भी तो क्वेश्चन आया था बेटा जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन कहां स्टोर्ड होता है, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, फॉलोइंग वेर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन. ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन स्टोरेज पूछ रहा है, प्लीज हिट द करेक्ट वन. वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बेटा. सिमरन शर्मा, ज्योति मॉय, यस लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर लिवर के अंदर होता है. सेकंड विल बी द करेक्ट वन, इजी. काइमोट्रिप्सिन इज क्या है, काइमोट्रिप्सिन क्या है, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, ओके हिट द करेक्ट वन. काइमोट्रिप्सिन और किसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, सलाइवरी जूस, जल्दी बता दो. काइमोट्रिप्सिन फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, 39 का गलत. लक्ष्मी प्रिया गुप्ता सही है, इट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. काइमोट्रिप्सिन जो है एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. फैट एमल्सिफिकेशन होता है ना, बाइल का मेन फंक्शन है, ये कहां पर हो रहा है, फॉलोइंग वर द ऑप्शन. फैट एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाय बाइल टेक प्लेस इन, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन. वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, इजी. ठीक है साहिल बेटा, करेक्ट. फैट एमल्सिफिकेशन डियोडिनम जेजुइनम इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में, सबसे पहला जो डियोडिनम है ना यहां पर होता है डियोडिनम के अंदर. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड चीफली कहां पर होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड चीफली अकर्स इन, फॉलोइंग द ऑप्शन. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, कई बार आता है. करेक्ट सत्वीश देवनाथ. क्वेश्चन नंबर 41 स्मॉल इंटेस्टाइन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, हम पढ़ते हैं डायरेक्टली मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन. ट्रिप्सिनोजन जो है इसका सिक्रीशन कहां से होता है, द एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन. ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रीशन कहां से होता है, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 42 ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रीशन कहां से होता है,
42 का 2, यस, पैनक्रियास से करते हैं, करेक्ट है, सेकंड विल बी द करेक्ट वन. पैनक्रियास, यस, इन एक्टिव ट्रिप्सिन, व्हिच इज कन्वर्ट एक्टिव ट्रिप्सिन बाय, यस, करेक्ट. एंजाइम पेप्सिन, इट एक्ट अपॉन फूड एट अ पीएच ऑफ अबाउट. पेप्सिन एंजाइम जो है ये कितने पीएच पर काम करता है और काम क्या है, प्लीज इट द करेक्ट वन. एंजाइम पेप्सिन पीएच कौन से कितने पीएच पर काम करेगा, प्लीज इट द करेक्ट वन. एंजाइम पेप्सिन के बारे में पूछ रहा है, पेप्सिन एंजाइम इट एक्ट अपॉन फूड एट अ पीएच ऑफ अबाउट हाउ मच, प्लीज इट द करेक्ट वन. फोर्टी थ्री का कुछ बच्चे, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. पीएच थ्री होता है प्रोटीन को तोड़ने के, अमीनो एसिड को थोड़ी स्प्लिट करता है, एक तो यही, यहीं से ही दिमाग लगा लेते. फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, इजी 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 इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो फूड हम जो खाते हैं मेनली क्या होता है, वेरी इजी यार, बचपने वाला क्वेश्चन है. आर फूड मेनली कंटेन फॉलोइंग वर द ऑप्शन. बेटा अभी रात 9:30 भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर क्लास लगने वाली है, मेक इट श्योर यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट. या तो डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन के क्वेश्चन कर लेंगे या बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के करते हैं, चलो बायोटेक के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी वहां पर. हिट द करेक्ट वन बेटा, क्वेश्चन नंबर 44. राहुल कह रहे हैं यस, कार्बोहाइड्रेट से तो मेजर कॉम्पोजिशन हमारे फूड का कार्बोहाइड्रेट है. विच वन इज डिफर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री, गैस्ट्रिन, ग्लूकागन, सिक्रीटिन और टाइलिन. ऑप्शंस चेंज हो गए वैसे जो मैंने दिए थे उसके, इसलिए हटा दो ये क्वेश्चन, स्पेशल क्लास में करवा लूंगी. ऑप्शन चेंज कर दिए, रीजन है ऑप्शन चेंज से फर्क पड़ जाएगा. कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम कहां से सिक्रीट होता है, इट इज सिक्रीटेड बाय. कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज इट द करेक्ट वन. कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम कहां से सिक्रीट होता है, क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 46, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. क्वेश्चन नंबर 46 बेटा, प्लीज इट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 46 गलत है सेकंड वालों. क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन, वही विलायक के उधर से, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन वहीं से आता है कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम भी. स्टमक इज द मेन साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ, किस चीज का डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर. स्टमक इज द मेन साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन. स्टमक इज द मेन साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 47. एवरीबडी इन द क्लास प्लीज लेट मी नो, अर्चना शर्मा करेक्ट है, ज्योतिर्मय चैटर्जी, लक्ष्मी प्रिया सही है, गौरव नहीं हो रहा है बेटा लाइक. यस, प्रोटीन का डाइजेशन मेनली पूछा है ना, मेन साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन विच इज इन्वॉल्व इन द डिस्चार्ज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस. भाई क्या कर रहे हो, द हार्मोन विच इज इन्वॉल्व इन द डिस्चार्ज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन मैमल इज कॉल्ड फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज इट द करेक्ट वन. वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बेटा. हाँ जी, एवरीबडी इन द क्लास प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन द डिस्चार्ज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन मैमल, सीक्रेटिन एंड कॉलिसिस्टोकाइन इन सीसीके, दिस वर द करेक्ट वन. थर्ड विल बी द करेक्ट वन, यस यस. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत से बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं पता नहीं क्यों. HCl जो प्रेजेंट होता है ना, फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक, स्टमक के अंदर HCl का काम क्या है, प्लीज हिट द करेक्ट वन. वेटिंग,
Function of HCl in stomach is? Question number 49. Question number 49. जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है अभिज्ञा. बच्चा कोई नहीं, डू द मल्टीपल प्रैक्टिस देन इट विल. क्वेश्चन नंबर 49 का कुछ बच्चे 4 कह रहे हैं. ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन बेटा स्टमक के अंदर पूछा है. ये फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एचसीएल. पढ़ा ना, स्टमक में पूछा है तो ऑब्वियसली बात है ट्रिप्सिनोजन वाला काम नहीं करेगा. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है ना फूड के अंदर उनको खत्म करता है. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. एंजाइम माल्टेज इन ह्यूमन गट इट एक्ट ऑन फूड एट अ पीएच ऑफ. माल्टेज एंजाइम किस पीएच पर काम करता है और क्या करता है? प्लीज हिट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 50. लो मैं साइड हट जाती हूँ. एंजाइम माल्टेज इन ह्यूमन गट एक्ट ऑन फूड एट विच एट अ पीएच ऑफ. थैंक यू जय. क्वेश्चन नंबर 50. वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. अर्चना शर्मा एकदम करेक्ट है. अर्चना शर्मा एकदम सही है. आयुष जसवाल गलत है बेटा. प्रतिमा सिंह सही है. सरिता सही है. पूजा सही है. लक्ष्मी प्रिया सही है. और कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं. संजय कुमार जसवाल सही है. बेटा 7 से ज्यादा पीएच होता है वहां पर. मोर देन 7 पर काम करती है. लेस देन वाले तो हटा ही दो. मोर देन 7 स्टार्च को माल्टोज को नहीं, माल्टोज को ग्लूकोज में. दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन. रूल ऑफ एलिमिनेशन से होगा. एक तो 7 से ज्यादा होता है पीएच, तो ये तो हट गया. लेस देन 7 वाले तो. अब मोर देन 7 ये स्टार्च को माल्टोज में नहीं, ये माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है. दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन. ये माल्टेज का काम है. सिंपल शुगर जो है ब्लड का किसे कहते हैं? सिंपल शुगर ऑफ ब्लड इज फॉलोइंग वर द ऑप्शन. प्लीज हिट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 51. वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. अब बेटा ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 गलत लिखा है. मैं इसको चेंज करवा दूंगी. ठीक है खुशी, आप भी आंसर दे रहे हो. बेटा मैं रैंडमली जो नाम दिख जाता है उसको पिक कर रही हूं, ऐसा कुछ नहीं है. बिल्कुल शुभम, यू आर एलिजिबल फॉर द नीट एग्जाम. ठीक है, आपने पास कर लिया ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बिल्कुल आप ले सकते हो. ठीक है, कोड मेरा नाम ही मेरा कोड है. अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है दैट इज शिवानी. शिवानी कोड अप्लाई करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. सिंपल शुगर इट इज सुक्रोज. थर्ड विल बी द करेक्ट वन. अधिकतर ग्लूकोज कर रहे हैं नलायक. सिंपल शुगर ऑफ ब्लड सुक्रोज है, ग्लूकोज है. बोलो बोलो, वैसे कर तो सही रहे हो. ग्लूकोज है, ग्लूकोज करेक्ट. मैं तो देख रही थी कुछ बच्चे गूगली में ये कौन नलायक है. मैं नाम पढ़ के बताती हूँ. ऋतुजा मेशरम. क्या मेशरम ने बेशर्मी की हद कर दी है. ग्लूकोज, यस करेक्ट. जय राठौड़, सुबह सेशन लगाओ बेटा, अदरवाइज प्लस परफॉर्म कर सकते हो तो प्लस ले लो, नहीं तो फिर सुबह वाले सेशन थ्योरी सेशंस भी लगाने पड़ेंगे. ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन बॉडी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ. बहुत लंबे समय तक भूखा अगर रहे प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन के दौरान बॉडी अपने न्यूट्रिशन को कहाँ से लेती है? जल्दी से प्लीज हिट द करेक्ट वन. अजय कुमार सिंह जल्दी 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 जल्दी. क्वेश्चन नंबर 52. या किसी का आंसर नहीं दिखा अभी तक. क्वेश्चन नंबर 52 आंसर लिखो बेटा. अर्चना सिंह ने बस 52 लिख के छोड़ दिया क्या? वो पता नहीं. सरिता कुमारी करेक्ट. लीवर एंड एडिपोज टिश्यू से करेक्ट. फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. एंट्रोकाइनेज इट स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग. प्लीज हिट द करेक्ट वन. एंट्रोकाइनेज स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग. प्लीज हिट द करेक्ट वन. एंट्रोकाइनेज किसे स्टिमुलेट करता है बेटा?
ट्रिप्सिनोजन को, एंट्रोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को, यस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन इसको ही स्टिमुलेट करता है ना. मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड कहां होता है? मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. वो कह रहा है मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है और फूड का. क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड कहां होता है बेटा? मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड कहां होगा? 54, मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन हमने पढ़ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा. वो कह रहा है मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है, तो जल्दी से लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. या वेरी इजी, स्टमक के अंदर होता है. 54 का वन, एब्सेंस ऑफ विच ऑफ दीज इन बाइल, किसकी कमी की वजह से फैट का डाइजेशन डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, इनमें से क्या अगर बाइल में प्रेजेंट नहीं होगा, मेन काम फैट इमल्सिफिकेशन ही तो होता है, तो वो कह रहा है कि अगर इनमें से कुछ बाइल में ना हुआ तो फैट का डाइजेशन डिफिकल्ट हो जाएगा. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, प्लीज हिट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 55, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बच्चों. अर्चना शर्मा गलत है. गौरव सोनी एकदम सही है. अधिकतर स्टूडेंट्स गलत हैं इसमें. अंजलि सिंह गलत है बेटा. अगर एसिड्स नहीं होंगे ना, एसिड्स फोर्थ विल बी द करेक्ट वन, तो फैट डाइजेशन में दिक्कत होगी. बाइल में एसिड्स का होना बहुत जरूरी है. बहुत कम बच्चों का जवाब सही था. अधिकतर बच्चे बाइल से बाइल सॉल्ट कर रहे थे, विच इज द इनकरेक्ट वन. याद कर लेना अब इसे, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. पैनक्रियाटिक जूस इज रिलीज इन टू, कहाँ रिलीज होता है पैनक्रियाटिक जूस? प्लीज हिट द करेक्ट वन. पैनक्रियाटिक जूस जो है ये कहाँ रिलीज होगा? प्लीज हिट द करेक्ट वन. पैनक्रियाटिक जूस. क्वेश्चन नंबर 56, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बच्चों. क्वेश्चन नंबर 56, वन गलत, ड्यूडिनम में नहीं होता. स्नेहा गलत, ओहो मिस्टर रॉय गलत, दिव्या धामी गलत, राहुल भी गलत. हे मेरे प्रभु, जेजिनम में होता है पैनक्रियाटिक जूस. जेजिनम में रिलीज होता है, याद रखना. क्या कर रहे हो बेटा? आयुष जसवाल, आप ऑर्गन का नाम डाल के देखो, यही आएगा आंसर. जो मैंने बताया है वो सही है. द एंजाइम दैट कैटलाइज द चेंजिंग ऑफ इमल्सिफाइड ऑयल टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज, फॉलोइंग वर द ऑप्शन. ओके, एंजाइम जो कि इमल्सिफाइड ऑयल को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, यस हिट द करेक्ट वन. इजी क्वेश्चन, वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, प्लीज हिट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 57, वैशाली ठाकुर एकदम सही. इजी क्वेश्चन है तो. आकिब खान सही है जी. अधिकतर स्टूडेंट्स, गौरव सही है, दिव्या धामी, रिचा, यस लाइपेज एंजाइम का ही तो काम है, ये लाइपेज एंजाइम करवाता है, मेंशन इन द सेकंड वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन को पॉइंट आउट द ऑड वन. क्वेश्चन नंबर 58, और क्या ऑड है, क्यों ऑड है वो, ये भी आप मुझे रिस्पॉन्स करोगे बेटा, ठीक है? पॉइंट आउट द ऑड वन और क्यों ऑड है ये भी आप बताओगे बेटा. क्वेश्चन नंबर 58, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. 58, लक्ष्मी प्रिया सहानी एकदम सही है, बट क्यों ये भी बताओ मुझे. कैल्सिटोनिन नहीं बेटा, गलत. राहुल गलत, ओ हो ऑक्सीटोसिन गलत. क्या ही बताओगे तुम. हाँ जी, क्योंकि रेनिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है. करेक्ट, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. दिस इज ऑड वन, इट इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी. फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. अरे यार ये इधर चला गया क्या एरो? एक सेकेंड रुको बेटा. पैनक्रियाटिक लाइपेज ये किस पर काम करता है? पैनक्रियाटिक लाइपेज, इट एक्ट्स अपॉन पैनक्रियाटिक लाइपेज.
it acts upon. Following were the option. Please hit the correct one. Question number 59. Pancreatic lipase acts upon. Following were the option. Please hit the correct one. Pancreatic lipase. Question number 59. Waiting for your response. अर्चना शर्मा करेक्ट. ट्राइग्लिसराइड्स पर एक्ट करता है ये. सेकंड विल बी द करेक्ट वन. बाइल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बाइल इज फॉर्मड इन. फॉलोइंग वर द ऑप्शन प्लीज इट द करेक्ट वन. बाइल फॉर्मेशन बाइल इज फॉर्मड इन Stored in the gallbladder. Bile ka formation kaha ho raha? Easy, very easy question. Question number 60. Nursing beta wa storage hota hai. Aray 61 to diya hi nahi. 60 pooch rahi hu. 60 ka 2. Divya Dhami. Thik hai. Liver ke andar. Liver mein hota hai bile ka formation. Correct. CCK. Cholecystokinin. It is secretion of. Please hit the correct one. Very easy. Cholecystokinin is the secretion of. Following were the option. Please hit the correct one. Question number 61. Waiting for your response. Question number 61. Cholecystokinin. It is the secretion of. Please hit the correct one, beta. Class, 90 questions karenge, beta. 90 questions jab tak ho jaye. क्वेश्चन नंबर 61. लक्ष्मी प्रिया एकदम सही है. 1, 2, 3, 4 मत लिखो. किसका है ये लिखो. आकिब खान सही है. भूपेंद्र सैनी गलत है बेटा. ठीक है. इंद्रजीत देशमुख सही है. 62 मैंने दिया नहीं लेकिन संजय कुमार जसवाल ने उसका आंसर दे दिया है. शोभित कुमार राज एकदम सही है. ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट सही हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट गलत भी हैं. कुछ स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन भी दे रहे हैं. सीसीके इट इज सिक्रीशन ऑफ डिओडिनम जो कि दैट कॉल्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर. फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. डिओडिनम से निकलता है जो कि गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. एंजाइम ट्रिप्सिनोजन ये ट्रिप्सिन के अंदर चेंज हो जाता है बाय फॉलोइंग वर द ऑप्शन. ट्रिप्सिनोजन इज चेंज इन टू ट्रिप्सिन बाय फॉलोइंग वर द ऑप्शन. प्लीज हिट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 62. वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. प्लीज हिट द करेक्ट वन. वेरी इजी इजी क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन नंबर 62. यस एंट्रोकाइनेज एंजाइम का काम है. थर्ड विल बी द करेक्ट वन. इजी. कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर इट इज कनेक्टेड विद द इंटरनल अब्सॉर्प्शन ऑफ. कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर किसका अब्सॉर्प्शन करवाता है. प्लीज हिट द करेक्ट वन. इजी क्वेश्चन अगेन. द क्वेश्चन इज वेरी इजी. Yes, hit the correct one. Hit the correct one, beta. Yes, it is for the cobalamin. It is for the absorption of cobalamin. Maximum number of enzymes skin mein present honge. Omnivorous, herbivores. कार्निवरस या नन ऑफ द अबव. मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स. प्लीज हिट द करेक्ट वन. मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स. क्वेश्चन नंबर 64. वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. क्वेश्चन नंबर 64. यस बेटा. मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम ओमनीवर्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या यार. यस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. फोन साइलेंट पे कर लेती हूँ. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोलेस्ट्रॉल जो है इट इज सिंथेसाइज्ड इन. कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कहाँ हो रहा है. फॉलोइंग वर द ऑप्शन प्लीज इट द करेक्ट वन. कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज्ड इन. कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस. प्लीज हिट द करेक्ट वन.
cholesterol is synthesized in? क्वेश्चन नंबर 65 बेटा नंबर डाल के यस लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस लिवर के अंदर होता है. सेकंड विल बी द करेक्ट वन. रेनिन एंजाइम जो है मिल्क में प्रेजेंट होता है. टैक आई एम सो सॉरी. चलो आंसर दो तुम तो. रेनिन इट एक्ट्स ऑन फॉलोइंग वर द ऑप्शन प्लीज इट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 66 रेनिन इट एक्ट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 66 या मिल्क चेंजिंग ये है तो सही. पीएच इसमें 7.22 8.2 नो 1 2 3 दैट्स व्हाई दिस पीएच की वजह से फर्स्ट और फोर्थ में से फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन. लैक्टील्स इट टेक पार्ट इन किसके अंदर इनका रोल फॉलोइंग वर द ऑप्शन प्लीज हिट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 67 लैक्टील्स टेक पार्ट इन वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. क्वेश्चन नंबर 67 प्लीज हिट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 67 लैक्टील्स इट टेक पार्ट इन फॉलोइंग वर द ऑप्शंस. बेटा क्या कर रहे हो. यस संजय कुमार जसवाल अर्चना शर्मा एकदम सही बेटा. भूपेंद्र सैनी एकदम सही फैट अब्सॉर्प्शन में. और किसने लिखा है हाँ संजय सही है बेटा फैट अब्सॉर्प्शन में रोल है. सेकंड विल बी द करेक्ट वन. एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जैसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन एलिमेंट्री कैनाल क्या कहा जाता है जी. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉलोइंग वर द ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 68 प्लीज हिट द करेक्ट वन. प्लीज हिट द करेक्ट वन वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या कहेंगे. पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ही तो कहते हैं पेरिस्टाल्सिस. यस फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का इट इज फर्स्ट अब्सॉर्ब्ड बाय सबसे पहले फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का अब्सॉर्प्शन किसके थ्रू होता है. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फर्स्ट अब्सॉर्ब्ड बाय फॉलोइंग वर द ऑप्शन प्लीज इट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 69 लक्ष्मी प्रिया सहानी करेक्ट है. भूपेंद्र सैनी करेक्ट है. अर्चना सही है. यस बेटा लिम्फ वेसल्स से होता है. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फर्स्ट अब्सॉर्ब्ड बाय द लिम्फ वेसल्स करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के दौरान क्या होता है फॉलोइंग वर द ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 70 ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग व्हाट हैपन प्लीज लेट मी नो इन द चैट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. क्वेश्चन नंबर 70 आपको पता है ना स्पाइस सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेता है बॉडी उसके बाद फैट और जब इनकी अनअवेलेबिलिटी होती है स्टार्विंग कंडीशन में फिर प्रोटीन का इस्तेमाल होता है. तो फर्स्ट फैट नो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड अप फॉलोड बाय द फैट एंड प्रोटीन टुवर्ड्स द एंड. करेक्ट है करेक्ट है. तो 70th का सेकंड विल बी द करेक्ट वन. फर्स्ट नहीं बेटा सबसे पहले फैट नहीं पहले कार्बोहाइड्रेट. इलियम के अंदर पूछा है ड्यूडेनम जेजुइनम इलियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सॉर्ब्ड इन द इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है ना इलियम उसके अंदर किस चीज का अब्सॉर्प्शन होता है फॉलोइंग वर द ऑप्शन प्लीज हिट द करेक्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सॉर्ब्ड इन द इलियम हिट द करेक्ट वन. ओके क्वेश्चन नंबर 71 हिट द करेक्ट वन. लक्ष्मी प्रिया गलत है बेटा. लक्ष्मी प्रिया सहानी गलत है बच्चा. भूपेंद्र भी गलत है. राहुल भी गलत है. अरे बाप रे अधिकतर बच्चे गलत ही दिख रहे हैं. मुझे तो सही आंसर देने वाला ढूंढना पड़ रहा है कोई दिख जाए. 3 4 3 4 नो नो नो
किसका मिला? क्रिकेट क्रेज इन द वर्ल्ड. करेक्ट है, बाइल सॉल्ट का होता है बेटा. बाइल सॉल्ट का अब्सॉर्प्शन होता है इलियम पार्ट में. अधिकतर स्टूडेंट गलत है यहां पर. ठीक है, विच सब्सटेंस इज अब्सॉर्ब्ड विदाउट डाइजेशन. बिना डाइजेशन के कौन सा सब्सटेंस का अब्सॉर्प्शन हो जाता है? Which substance is absorbed without digestion? Following were the option. Please hit the correct one. Waiting for your response. Question number 72. Okay, easy question. Easy. Question number 72. Which food substance is absorbed without digestion? बेटा अभी रात 9:30 भी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्पेशल क्लासेस है. सेम यही सीरीज चल रही है, ब्रेन बस्टर. चैप्टर्स बस यहां वहां अलग अलग चलते हैं. बायोटेक के कुछ क्वेश्चन मैंने लेट्स क्रैक पर कराए थे, कुछ क्वेश्चंस मैं वहां कराऊंगी. चल ठीक है बेटा. शंकर जय किशन, संजय कुमार जसवाल एकदम सही है. 70 इसमें विटामिन का अब्सॉर्प्शन जो है विदाउट डाइजेशन ही हो जाता है. यस दैट्स इट, इट्स द करेक्ट वन. विटामिन थर्ड विल बी द करेक्ट वन. म्यूकस का सिक्रीशन. म्यूकस इज सिक्रीटेड बाय, बताओ म्यूकस का सिक्रीशन कहां से होता है? म्यूकस कहां से सिक्रीट होता है आपका? क्वेश्चन नंबर 73. म्यूकस इट इज सिक्रीटेड बाय, फॉलोइंग वर द ऑप्शन. सुमित भट्टाचार्य बिल्कुल सही है. मिरेकल बॉय राहुल, लक्ष्मी प्रिया बिल्कुल सही है. शोभित कुमार राज एकदम सही. बहुत सारे स्टूडेंट, ऑल ऑफ द अबव. स्टमक भी, ड्यूडेनम से भी, लार्ज इंटेस्टाइन सभी जगह से होता है. मुख्यतः मेनली वाटर अब्सॉर्प्शन कहां होता है? वाटर अब्सॉर्प्शन मेनली कहां होगा? वाटर अब्सॉर्प्शन मेनली इन फॉलोइंग वर द ऑप्शन. प्लीज हिट द करेक्ट वन. वाटर अब्सॉर्प्शन मेनली इन फॉलोइंग वर द ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 74. प्लीज हिट द करेक्ट वन. वाटर का अब्सॉर्प्शन पूछा है बेटा. भूपेंद्र, अच्छा मेरा मोबाइल थोड़ा सा स्लो आउट चल रहा है यार. यहां तो सही चल रहा है मुझे, इसलिए आंसर थोड़ा लेट दिख रहे हैं तुम लोग के. यस मेनली वाटर अब्सॉर्प्शन बेटा इंटेस्टाइन से होता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सेकंड विल बी द करेक्ट वन. यस सेकंड, वाटर अब्सॉर्प्शन मेनली आपके इंटेस्टाइन से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन. प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन में किस चीज का अब्सॉर्प्शन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन. Following were the option. Please hit the correct one. Question number 75. Waiting for your response. बेटा अभी मैं दोबारा से 9:30 अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आऊंगी. प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन से किस चीज का आयरन का अब्सॉर्प्शन होता है बेटा? फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. सब्सटेंस विच आर नॉट रिलेटेड, इनमें से क्या रिलेटेड नहीं है हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन से? हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन से इनमें से क्या रिलेटेड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 76. प्लीज हिट द करेक्ट वन. हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन से इनमें से क्या रिलेटेड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 76 का 4 कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर नदीम गलत है. इमादी सही है, किंग सिंह सही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत हैं. हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन से बेटा फैटी एसिड रिलेटेड नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सेकंड, मेरा मोबाइल तो थोड़ा डिलेड चल रहा है. फैटी एसिड इज नॉट रिलेटेड विद द हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन. सेकेंड विल बी द करेक्ट वन. जॉइंटिस की हम बात करें, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ, वेरी इजी. जॉइंटिस, पीलिया जिसे हम शुद्ध भाषा में कहते हैं, ठीक है,
लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है, भूख नहीं लगती, बिलिरुबिन कंटेंट बढ़ जाता है, याद होगा आपको, जल्दी बताओ. इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है. वेरी इजी, वेरी इजी. ठीक है, लैक्टोज, इट इज कंपोज्ड ऑफ, लैक्टोज किस किस का बना है, फॉलोइंग वर द ऑप्शन. लैक्टोज इट इज कंपोज्ड ऑफ, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, प्लीज हिट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 78 बेटा. श्रेयस, पिटाई खाओगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम का नहीं बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर है. क्वेश्चन नंबर 78, लक्ष्मी प्रिया एकदम सही है, आदि लक्ष्मी सही है, फनी बॉय गलत, शगुन गलत, नहीं शगुन सही है, संजोग गलत है, अर्चना सही है. ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज का फॉर्मेशन करता है. बहुत से बच्चे ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी बोल रहे हैं जो कि एकदम गलत है. ठीक है, अच्छा ऐसा क्या, शंकर जयकिशन, लेकिन मैं तो नाम ही नहीं ले रही काफी टाइम से. हाँ जी, इफ फॉर सम रीजन, मान लीजिए किसी कारणवश ऐसा होता है कि जो पैराइटल सेल्स हैं आपके गट एपिथीलियम के, ये पार्शियली नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे, तो वॉट इज लाइकली टू हैपन, तो इनमें से क्या होगा. क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए मैं साइड हट जाती हूँ. अगर किसी कारण से जो पैराइटल सेल है गट एपिथीलियम के पार्शियली नॉन फंक्शनल अगर हो जाते हैं तो इनमें से क्या होगा, प्लीज हिट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 79 बेटा, थर्ड विल बी द करेक्ट वन. यस, प्रोटीन जो है ये पैप्सिन, इट विल नॉट एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज बाय पैप्सिन इनटू द, क्योंकि यही तो काम करता है पैराइटल सेल, पैप्सिन का सिक्रीशन करता है जो कि प्रोटीओज को प्रोटीओज एंड पैप्टन में तोड़ेगा, तो वही चीज ढंग से नहीं होगा. दैट्स वाई यस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थर्ड विल बी द करेक्ट वन. रुखसार बेटा गलत है, ये प्रॉब्लम होगी. प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज बाय पैप्सिन इनटू द प्रोटीज एंड पेप्टोन. स्टमक के अंदर आफ्टर फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड उसे क्या कहते हैं. वेरी इजी, लोअर क्लासेस में भी पढ़ते आए हो आप, जल्दी से हिट द करेक्ट वन बेटा. स्टमक के अंदर फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड, फॉलोइंग व्हाट द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन, प्लीज हिट द करेक्ट वन, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. Please hit the correct one. Yeah, it is chyme. First will be the correct one. Fully digested food reaches to the liver by, fully digested food आपके liver तक किसके through पहुंचता है? Please hit the correct one. Please hit the correct one. Yes, through the hepatic portal vein. Correct, correct, correct. 81 का 1. 90 questions बेटा, बस कुछ ही questions और दूर है. अगर एक बंदा है वो राइस, चावल खाता है, who is eating rice, तो इसके फूड में क्या हुआ, यानी कि कुल मिला के चावल में क्या होता है, सेलुलोज, स्टार्च, लैक्टोज और द प्रोटीन, प्लीज इट द करेक्ट वन. इजी क्वेश्चन है ये भी. क्वेश्चन नंबर 82, राइस अगर खा रहा है तो उसके फूड के अंदर क्या है. क्वेश्चन नंबर 82, प्लीज हिट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 82 बेटा जी, 82 का 2, यस स्टार्च होता है, राइस के अंदर स्टार्च ही तो होगा, करेक्ट. मैमल्स के अंदर मिल्क किससे, मिल्क डाइजेशन इज बाय, मिल्क डाइजेशन, जल्दी, वेरी इजी, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, दूसरी तरीके से ट्विस्ट करके पूछा था, बट कॉन्सेप्ट अगर वहां पे क्लियर हो गया होता तो ये भी कर लोगे. मिल्क इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ
मैमल्स में मिल्क डाइजेशन बेटा कहाँ से? मिल्क इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ, प्लीज इट द करेक्ट वन. यस, रेनिन करवाता है ना, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. रेनिन करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूल ऑफ अ पर्सन इट कंटेन व्हाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू द किस ऑर्गन का मेलफंक्शन है? ड्यू टू द मेलफंक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गन, किस ऑर्गन में दिक्कत है अगर उसका स्टूल जो है वो व्हाइटिश ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है? यस बेटा, पवित्र कौर, नीट की डेट्स आ गई हैं, फर्स्ट अगस्त से एग्जाम होगा, 1 अगस्त को एग्जाम होगा आपका. क्वेश्चन नंबर 84, प्लीज हिट द करेक्ट वन. यस, 84 का डी बच्चे हिट करें. यस, लीवर में प्रॉब्लम है, बिलिरुबिन वगैरह सब. Which of the following is a disaccharide? Disaccharide क्या, कौन सा है इनमें से? Easy. ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम. Which of the following is disaccharide? Question number 85. Question number 85. Waiting for your response. Question number 85. Disaccharide unit कौन सी है इनमें से? यस, नो 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 नो, कुछ बच्चे, सुक्रोज इज द डाइसैकेराइड यूनिट ना बेटा, थर्ड विल बी द करेक्ट वन. क्या यार, इसमें भी मीनाक्षी गलत है बेटा. ग्लूकोज डाइस फ्रक्ट सुक्रोज इज द डाइस, कुछ बच्चे ग्लूकोज बोल रहे हैं, कुछ फ्रक्टोज बोल रहे हैं, क्या यार. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्रोटीन के सारे जो पेप्टाइड बॉन्ड हैं उनको तोड़ दिया जाए तो बचेगा क्या? इफ ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन आर ब्रोकन, then the remaining part is following were the option, please hit the correct one. Question number 86. Question number 86. SN Verma. 86. If all the peptide bond of protein are broken, the remaining part kya hoga? Following were the options. बेटा इसके बाद 9:30 बजे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, फ्री ऑफ कॉस्ट. स्पेशल क्लास ज्वाइन कर लेना, लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी अभी तुरंत सेशन के बाद भी. वो सिंपल आपसे एक इनवाइट कोड पूछेगा, शिवानी कोड डाल के आ जाओ, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे. इट इज द अमीनो एसिड, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन, इजी. और रोज रात 9:30 बजे सेशन लगता है वो, तो मेक इट श्योर यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट. लिपिड का अगर हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या मिलता है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड यील्ड्स फॉलोइंग वर द ऑप्शन, लिपिड के हाइड्रोलाइसिस से. या इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87. बस 3 क्वेश्चन और. क्वेश्चन नंबर 87, प्लीज हिट द करेक्ट वन. इट गिव्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, सेकंड विल बी द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 87, सेकंड विल बी द करेक्ट वन. ये भी आ चुका है क्वेश्चन, तो वैसे बस ट्विस्ट कर दिया. पहले पूछा था लैक्टोज किसका बना है, अब पूछा है, सॉरी आंसर ही बोल दिया मैंने, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके क्या बनाते हैं. पहले भी आया था लैक्टोज किस किस का, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है. इसमें इस बार उल्टा कर दिया कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दे यूनाइट टू फॉर्म, तो दे यूनाइट टू फॉर्म द लैक्टोज विच इज मेंशन इन द फोर्थ ऑप्शन. सो यस, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89. जो गैस्ट्रिक एंजाइम है पेप्सिन, ये आपके सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर एक्ट करता है विद इन ए लिमिटेड पीएच कॉन्सेंट्रेट, किस पीएच पर काम करेगा बताओ. क्वेश्चन नंबर 89, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, प्लीज इट द करेक्ट वन. जल्दी, गैस्ट्रिक एंजाइम पेप्टिन एसिडिक कौन से पीएच पर, इट वेरीज फ्रॉम, फॉलोइंग वर द ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 89, भावना कश्यप, एकदम सही, 1.5 to 2.60 इस पीएच पर काम करता है आपका पेप्सिन एंजाइम. यस, फर्स्ट विल बी द, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, बाकी फिर क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में, मंडे को रात शाम 6:30 बजे लगाएंगे. डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन में भी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है. स्टमक जो होता है ना वर्टिब्रेट्स में, इट इज द मेन साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ. स्टमक के अंदर मेनली किस चीज का डाइजेशन हो रहा है? स्टमक के अंदर, स्टमक इज द मेन साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ फॉलोइंग वर द ऑप्शन.
और अभी ये सीरीज ऐसे ही नहीं, रात 9:30 बजे बायोटेक के बच्चों के क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट। इनवाइट कोड शिवानी डाल के सेशन से जुड़ जाइएगा, लिंक तुरंत टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ। यस, मेन साइट फॉर द डाइजेशन स्टमक प्रोटीन का डाइजेशन होता है, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। इट इज ऑल अबाउट दिस, इट इज ऑल अबाउट माई टूडे सेशन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन। और आप अन अकेडमी के पेड प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं वाया यूजिंग दिस कोड शिवानी। वहां पर आपको इंडिया के 70+ टॉप एडुकेटर की टीम मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। आप शिवानी कोड अप्लाई करके अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आपकी फीस पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो भी है वो आपको मिल जाएगा। प्लस इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको कोई नहीं ऑफर कर सकता। प्लस आप सिर्फ वीडियो लेक्चर से ही नहीं पढ़ोगे, आप डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप, मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे। थ्रू आउट योर नीट जर्नी आई विल गाइड यू। आपको कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल मेरे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा तीनों सब्जेक्ट के अंदर, और मेरा गाइडेंस भी तीनों सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा, ठीक है। फ्री ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, DPPs आपको मिलते हैं, क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है, स्टडी प्लानर। बहुत से बच्चे जैसे अभी जो मेन जो डिमांड ऑफ टाइम क्या है, और अभी नहीं हम तो जो 2022-2023 वाले भी हैं, कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से होनी चाहिए, बैक पोर्शन कैसे कवर करें, बिकॉज 90% स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग बट ओनली 1-2% स्टूडेंट गेट सेलेक्टेड, तो हाउ टू कम इन दैट कैटेगरी, तो क्या स्टेप्स। तो अगर आपको कोई मेरे हिसाब से डे वन से गाइड करे, मुझे सिर्फ एक डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट चाहिए, टुगेदर वी विल क्रैक। तो ऐसे आपको स्टडी प्लानर मैं देती हूँ, जस्ट आपको अपने टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं और उसका टेस्ट भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है। आप शिवानी कोड अप्लाई करके किसी भी बैच का पार्ट बन सकते हैं, किसी भी एडुकेटर से, 70+ एडुकेटर किसी से भी पढ़ सकते हैं। और मेरा खुद का रिवीजन कोर्स चल रहा है 2021 के लिए, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, और 2022 और 2023 के लिए भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उनका पार्ट बन सकते हैं। सब्सक्राइब इट वाई यूजिंग दिस कोड। सब्सक्रिप्शन डिटेल वीडियो के शुरुआत में दे रखा है, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन लेने से पहले कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेरी है, कुछ सवाल है आपके दिमाग में, तो आप मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे। आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाकर डॉक्टर शिवानी भार्गव का प्रोफाइल सर्च करें, ये रहा unacademy.com@shivani1990। यहाँ मुझे फॉलो करो। फॉलो करने के बाद आप जब ड्रैग करते हो तो नीचे मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आता है। टू द पॉइंट अपना क्वेरी लिखो, हाय हेलो मैं टाइम पास मत करो, मैम कभी रिस्पॉन्स नहीं देंगी। टू द पॉइंट अपना क्वेरी लिखो, यहाँ पर मैसेज करो, आई विल रिवर्ट यू, ठीक है। मैं क्योंकि इन्हें रेगुलर बेसिस पर चेक करती हूँ। प्लस अगर आप ऑलरेडी शिवानी कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट तो आपको तुरंत मिल जाएगा। इन सब फायदे ये सिर्फ इस कोड को अप्लाई करने से मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और इन सब फायदों को पाने के लिए आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर दो, मैम शिवानी कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले लिया है, या फिर यहाँ पर भी बता सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली प्लस क्लास में भी इन्फॉर्म करते हो, क्योंकि प्लस क्लास इंटरेक्टिव होती है, हमारे यूट्यूब सेशंस की तरह नहीं होती, आपकी हर एक बात मुझ तक पहुँचती है, तो आप वहाँ पर भी मुझे इन्फॉर्म करोगे, मैं आपको ग्रुप का पार्ट बना के ये सारे फायदे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ गेट नोटिफिकेशन ऑन कर दो बेटा, मेरी रोज रात 9:30 से 10:30 बजे फ्री स्पेशल क्लासेस लग रही हैं, ठीक है, फ्री क्लासेस होती हैं ये, ठीक है। इसमें भी हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, तो मेक इट श्योर यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस। जितने भी फ्री फीचर्स हैं अनअकैडमी के, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे स्पेशल क्लासेस हो, कोई पेमेंट आपको नहीं करना होता, जस्ट वे कोड पूछता है, तो सारे फ्री फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आप यही कोड अप्लाई करेंगे शिवानी, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट दिस, थैंक यू। अभी 9:30 बजे मैं आपसे दोबारा मिल रही हूँ। बाय बच्चों, लव यू, बाय।